बेनामी संपत्ति के मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे लालू परिवार को एक और तगड़ा झटका लगा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री त्रेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बीपीसीएल के मुताबिक जांच में पाया गया है कि लाइसेंस लेने के लिए तेज प्रताप यादव ने गलत जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही बीपीसीएल अधिकारियों की एक टीम लारा यानी लालू राबड़ी पेट्रोल पंप पहुंची और लाइसेंस रद्द होने का नोटिस दे दिया। नोटिस में साफ कर दिया गया है कि पेट्रोल पंप को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद की जा रही है। पेट्रोल पंप में पहले से मौजूदा स्टॉक की बिक्री आज भी की गई है। नोटिस कर नहीं अभी आया है, नहीं आया है। हाँ, नोटिस जब तक नहीं आता तब तक कुछ चलेगा ही। दरअसल बीपीसीएल ने पटना के न्यू बाईपास रोड पर 10 दिसंबर 2011 को पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए आवेदन मंगाए थे। इसके लिए तेज प्रताप ने भी अर्जी दी थी। इस साल 27 फरवरी को तेज प्रताप को पेट्रोल पंप की डीलरशिप भी दी गई। इस दौरान बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप ने पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए फर्जी कागजात तैयार कराए थे। मोदी ने दावा किया कि 2011 में पेट्रोल पंप के लिए जब तेज प्रताप ने इंटरव्यू दिया था तब उनके पास न्यू बाईपास रोड पर कोई जमीन नहीं थी। कंपनी ने इसकी जांच की और आरोप को सही पाया और लाइसेंस रद्द कर दिया। तेज प्रताप ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया है।